चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं बनाने की प्रोसेस। उसके लिए क्या क्या लगेगा? पहले तो बैटरी लगेगी, एसी टॉर्च, और आपको एक रिले मॉड्यूल लगेगा जो कि मार्केट में मिलता है, ऐसा रिले रहता है। और एक कटोरी लगेगी जिसमें दो छेद करने का, और कुछ वायर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बैटरी लेना है जो कि पुरानी हो या नहीं हो, उसको खोल लेना है। इसके वायर में कोई छेड़छाड़ नहीं करने का। मैंने बैटरी यहाँ से ही निकाली है, नया डालना वाला था। यही बैटरी लगेगी बैटरी के लिए। और आपका लैंप रहेगा, वही लैंप रहेगा जिसका फोकस बहुत दूर तक जाता है। अच्छी क्वालिटी की है ये, आइसलैंड कंपनी की, आप कौन सी भी ले सकते हैं। ये प्लस और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिले बनाएंगे, बाद में बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी पहले आपको रिले दिखाता हूँ। इस तरह का रिले आता है जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसको खोलना है, इसका वर्किंग आपको बता देता हूँ। आपका इसको वर्किंग समझ लेना चाहिए। अभी ये जो कॉइल है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, और इसको और इस टर्मिनल को सप्लाई देने के बाद ये जो प्लंजर है वो नीचे गिरेगा इस तरह, ये देखिए। और जैसे ही इस पे गिरेगा, हम क्या करेंगे, इसको एक सप्लाई देंगे। अभी ये ऊपर की तरफ है जो कि सप्लाई कंटिन्यू बहेगी, जो कि इस टर्मिनल से। अगर इसको सप्लाई मिल गया तो ये नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। इस तरह से ये हमारा जो साउंड है, जो रैबिट के लिए आकर्षित करता है, जो कि अट्रैक्टिव बनाता करने के लिए रहता है, वो साउंड इन दोनों के प्लंजर के टकराने से नॉइस तैयार होगा, जिससे ये नॉइस तैयार करेगा। ठीक है, अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी ये कैसा वर्क करता है वो मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को इसको मिल नहीं रहा और कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये नॉर्मल कॉइल है जो कि 12 वोल्ट पे चलने वाली कॉइल है, और इसमें एक रॉड लगा रहता है और एक प्लंजर रहता है, जो कि इसको सप्लाई मिलने के बाद इस तरह से ये नीचे खींचा जाता है। नॉर्मल रिले का वर्किंग है ये। और इधर स्प्रिंग टेंशन रहता है जो कि इस प्लंजर को ऊपर की तरफ, नॉर्मली ओपन जो टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट रखता है। ठीक है, ये हमारी कॉइल है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगी। इसके अंदर जो शाफ्ट लगा रहता है, अगर इसको सप्लाई मिल गया, 12 वोल्ट सप्लाई मिल गया, यानी कि 6 वोल्ट मिल गया, कौन सा भी सप्लाई दो, ये मैग्नेटिक फील्ड अराउंड तैयार करेगा और इस प्लंजर को नीचे खींचेगा। ये जो प्लंजर लगा है इसको नीचे खींचेगा। जैसे ही नीचे खींचेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से नीचे आएगा, लेकिन हम जो इस टर्मिनल, जो कि नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है, उसको सप्लाई देंगे तो इसका सप्लाई कट हो जाएगा। यहाँ से कट हो गया तो इधर का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। दिखाने की कोशिश करता हूँ, कॉन्टैक्ट टूटेगा, फिर से ये स्प्रिंग की टेंशन बढ़ेगी और ये ऊपर जाएगा, फिर से टूटेगा, ऊपर जाएगा, इससे ये अप डाउन होता रहेगा और इससे हमारी नॉइस जनरेट होगी। सिंपल है, मार्केट में आपको मिल जाएगा 30-40 रुपये को ये मिलता है। नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसकी लिंक भेज देता हूँ और इसकी इमेजेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको मिलने में आसानी हो। ठीक है, अभी कनेक्शन करेंगे हम। तो दोस्तों, हमने अभी कनेक्शन किया है। ये जो ऊपर का प्लंजर का पॉइंट है ये, और ये कॉइल का फर्स्ट पॉइंट हमने शॉर्ट किया है, इधर देख सकते हैं। और जो दूसरा कॉइल का दूसरा पॉइंट है, ये हमने इसके साथ एक तार दो जोड़ दिए है। और जो प्लंजर का ऊपर का पॉइंट है, जो कि ये और ये, इसको हमने एक कनेक्शन दिया है। अभी हम इसको सप्लाई देंगे। चलिए सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी हमने सप्लाई दिया है, अभी इसकी नॉइज़ सुन सकते हैं।
जो कि बहुत अच्छी से आ रही है। अभी हम इस कटोरी में लगाएंगे ताकि इसका जो नॉइस है वो बढ़ जाए और हमें अच्छी तरह से सुनाई दे। इतना नॉइस ठीक ठाक रहता है। ठीक है, अभी टेस्टिंग हो गया है। चलिए अभी हम इसको कटोरी में फिट करते हैं, जो कि इस तरह से ये जो स्क्रू निकाला था हमने, ये जो इधर से डाल दीजिए, और यहाँ पे पहले से ही स्क्रू बैठाने का है। अभी हम इसको टाइट कर देते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल स्क्रू टाइट करना है। ठीक है, अभी हम ठीक ठाक कर ही दी, और एक स्क्रू इधर होल मारने का ताकि हम उसको बैटरी को अटैच कर सकें। अभी फिर से हम इसको सप्लाई देंगे, जो कि नॉइस में चेंजेस हो गया आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आवाज़ आएगा जो कि 100% वर्क करेगा। मैं भी इसे 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। चलिए इसको साइड में रख देता हूँ अभी, और बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो बैटरी का सबसे पहले जो नई बैटरी लाई है उसका कनेक्शन करेंगे। वायर को थोड़ा कट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको एक होल पाड़ना पड़ेगा, जो कि हम अभी सोल्डरिंग गन से यहाँ पे एक छेद करेंगे, यहाँ पे ही करेंगे। ठीक है, छोटा सा छेद करना है, और ये जो 2 वायर है जो इससे अंदर लेना है, छेद अच्छे से पड़ा नहीं, अच्छे से पड़ देता। ठीक है, इसको अंदर लेना है, और ये जो छेद है इसका, ये वाला जो यहाँ पे स्क्रू के साथ टाइट करने का। ठीक है, वही हम करेंगे अभी। और ये जो 2 वायर निकली है, यो जो स्विच लगा है वहाँ पे, एक नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे बैटरी के और एक पॉजिटिव को। ये वाला नेगेटिव है, इसके साथ ही जोड़ देंगे वायर। इसको सोल्डर कर लेना है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना है। और ये जो है, ये जो स्विच का नीचे का जो वायर है उसी के साथ कनेक्ट करना है, जो बचा हुआ ये है, ताकि बैटरी ऑन होने के बाद हमारा जो हॉर्न है वो बजना चाहिए। यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अभी हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे, जो कि पहले था वैसे ही था। मेरे को एक नया ऑर्डर आया था जो कि इस तरह का बैटरी बनाने का, वही मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। अभी जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा कनेक्शन हो गया। अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी इसको पैकिंग कर दिया है। अभी हम जैसे ही इसका टॉर्च ऑन कर देते हैं, तो हमारा ये हॉर्न है जो ऑन हो जाएगा। ये देखिए, अभी ऑन किया, ये ऑन हो गया। इस तरह का आपको नॉइस आएगा, और आगे से आपकी टॉर्च चलेगी, और इससे आप रैबिट हंटिंग आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो ऑन हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। एक बार देखिए किस तरह से इसको पैक किया है, यहाँ पे एक छेद करके स्क्रू लगाया है, ये देखिए इस तरह से।